والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين وعلى اله الطيبين وصحبه اجمعين الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیں الصلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين پھر پڑھیں گے الصلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا اشرف المرسلين پھر پڑھیں الصلات والسلام عليك يا سيدي يا رحمت للعالمين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا حضور پاک کی مرضی جس طرف نکل جائیں لیکن جدھر نکل گئے ادھر نعمتیں ہی نعمتیں فرما دیں چلے تو اپنی مرضی سے ہیں مگر جس راہ چل دیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ سبحان اللہ بکرتم واسیلا جس طرف آپ کا رخ ہو گیا خدا کی رحمت ادھر ہو گئی جس طرف آپ کا کرم ہو گیا خدا کی رحمت ادھر ہو گئی ایسا نہیں کہ اس دور میں جس سمت نکلے تو اس سمت نعمتیں ہی نعمتیں تقسیم ہو گئیں بلکہ آج بھی جس محفل میں ان کا نام لے لو نعمتیں ہی نعمتیں ہو جاتی ہیں رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں فضل ہی فضل ہو جاتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا ایمان ہے اعتقاد ہے اس بات پر جو کھڑے ہیں چلنے سے پہلے جو بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے اور جو چل رہے ہیں سن کر چلتے ہوئے سن رہے ہیں رکنے سے پہلے حق تعالیٰ حضور کے نام کے ذکر کے صدقے میں ان کی مغفرت برباد ہے نہ یہ کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں بلکہ یہ آپ کا فرمان مبارک ہے فرمان مبارک ہے فرمایا ما من کو من ایک روایت میں یوں فرمایا اور ایک روایت میں فرمایا کہ ما من کو من اجتماعوا یذکرون اللہ تعالی لا یریدون بذلک الا وجہہ
कि जो लोग बैठ कर अल्लाह के जिक्र के लिए मजमा लगाते हैं, आसमान से नादा हूँ मुनादी मिनस समाए, आसमानों से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगा कर कहता है अनकुमु मगफूर लकुम, इस हाल में उठो कि तुम बख्श दिए गए हो। कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनातिन, हक ताला ने तुमने जो गुनाह किए थे उन्हें नेकियों से तब्दील कर दिया है। जिक्रुल्लाह क्या है? ये नारा रिसालत जिक्रुल्लाह है। अल्लाह ये क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये जिक्रुल्लाह है। आपने अल्लाह का जिक्र किया, अगर हजूर का किया तो हजूर का भी अल्लाह के लिए किया है। हजूर के हुस्न का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, हजूर की अता का जिक्र अल्लाह की अता का जिक्र है, हजूर के कमालात का जिक्र अल्लाह के कमालात का जिक्र है, हजूर की मोहब्बत और निस्बत और ताशुक का जिक्र अल्लाह की निस्बत और ताशुक का जिक्र है। अगर हजूर की रहमत का तस्करा करोगे तो रहीम खुदा कहलाएगा, हुजूर के करम का तस्करा करोगे तो करीम खुदा कहलाएगा, हुजूर के हुस्न व जमाल का तस्करा करोगे तो खालिक खुदा कहलाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं सारे बोले जोर से बोल, दोनों हाथ खड़े कर और जोर से बोले रसूल अल्लाह लब्बे लब्बे लब्बे। मैंने 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 वक्त को जाया किए बगैर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मैंने मैंने वक्त को जाया किए बगैर फौरन गुफ्तगू शुरू कर दी। ये लचर बातें होती हैं। मैं तो इस दौर के अंदर अल्लाह की कसम में लोगों के अकबूल पर लोगों के अजान पर हैरान हूँ। एक इधर से खींच रहे हैं कोई सहाबा से ज्यादा मोहब्बत, इधर से खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? सहाबा हजूर पाक की आंखें हैं, हजूर पाक के कान हैं, अहले बैत हजूर के जिगर का टुकड़ा है। अरे आशिक को तो फुर्सत ही नहीं मिलती जिक्रे जाना, अगर वो आंख देखे तो भी इश्क तेज होता है, खून देखे तो भी इश्क तेज होता है। पास बाँ है, पास बाँ। सारे बोले, सारे बोले, पास बाँ है, पास बाँ। हम चादरे बतूल के, हम अजमते रसूल के, हम अजमते रसूल के। पासवान वही होता है जिहड़ा हाथ हैंज करके लड़क के बोले, हम अजमत है रसूल के, हम चादरे बतूल के। तो हम नामूसे रिसाल सहाबा के पासवान हैं, हम नामूसे अहले बैत के पासवान। बारक बारक अल्लाह, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। हम ये भी सारे अपने हम सारे हजूर के हर वस्फ के हम दीवाने हैं। आप अपने जहन को तितर बितर ना करें, हजूर हजूर है बस। जो सहाबा पर एतराज करते फिरते हैं इस दौर में, मैं वक्त की नजाकत को समझते हुए गुफ्तगू करने लगा हूं, उन्हें खबर ही नहीं है कि सरकार है कौन। अगर कोई बंदा सैयदना सिद्दीक अकबर पर भौंकता है तो वो ख्याल करे कि वो हजरत अबू बकर की ये मुखालफत नहीं कर रहा। हजरत अबू बकर तो एक जिस्म है, सिद्दीक अकबर एक सोच है जिसको रखने वाले मुस्तफा की जात है। सारे बोलो, आप सारे मिलकर बोलेंगे नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। जेड़ा बंदा हजूर दे हजूर असद मौलाना जामी साड़ी तरबियत की थी, उन्होंने रूह ने मौलाना जामी फरमाते हैं, हाय काश के मदीने की गली में कोई कुत्ता होता जिसका नाम जामी होता और किसी तरह मेरे आका के नाम पर नाम तो आया होता।
ये है इश्क कि काश के मदीने की गली के कुत्ते का नाम जामी होता और मेरे आका के लबों पर एक मर्तबा नाम आया होता तो उसकी अजमत का क्या कहना कि जिसे हजूर बार बार कहते थे मेरे अबू बकर को बोलाओ। इसी तरह तो हजूर से मोहब्बत करने वाला कभी भी ये गुफ्तगू नहीं करेगा और जब अहले बैत का जिक्र हो तो माथे पर बल पड़े, कैसे मुमकिन है यार, कैसे मुमकिन है, मुझे बताएं आप कैसे मुमकिन है अहले बैत के जिक्र से माथे पर कैसे मुमकिन है हजूर का मोहब्ब माथे पर बल लाए, कैसे मुमकिन है सहाबा के जिक्र पर माथे पर बल लाए वो जो हजूर का आशिक हो, वो जो हजूर का मोहब्ब हो। ओ किबला मेरे कलेजे दे टुकड़े हो तो मेरी अखां दे तारे हो, मेरे मुरीद 1443 हिजरी है ते इस दौर विच भी ये कभी मेरा तौलिया चूमते हैं, कभी चप्पल चूमते हैं। जे 1400 सदियां बाद ये मोहब्बत है तो फिर उनकी अजमत का ठिकाना क्या होगा जिनकी गोद में मुस्तफा है, मुस्तफा की गोद में सिद्दीक। बात बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? मेरी तकरीर लंबी चौड़ी नहीं होगी, मैं सिर्फ किसी खास बात के करने के लिए हाजिर हुआ। बस आशिक हो जाए, लचर लचर गल्लां छड़ दियो, आशिक हो जाओ, अन्नी मोहब्बत करो हजूर पाक नाल, नेक अमल करो, नमाजी बन जाओ पर नमाज तो वध के हजूर नाल मोहब्बत करो, रोजेदार हो जाओ पर रोजों से बढ़कर हजूर से मोहब्बत करो। अल्लाह के बंदो हम सब सहाबा को मानते हैं पर इसलिए कि सरकार के हैं, हम सारी अहले बैत का इत्राम करते हैं इसलिए कि सरकार की है, हम तो खुदा को भी खुदा इसलिए कहते हैं कि मुस्तफा ने बनाया। ये नजरिया है हमारा, ये हमारा आशिकों का आशिकों की चाल और हाल और होता है हमारा ये नजरिया। हमें क्या पता खुदा का, ये मुस्तफा पाक ने फरमाया है अल्लाह वहद, ये अल्लाह वहद से पहले कुल है, कुल बाद में आओ, अल्लाह वहद कुल है पहले और कुल में जाते सरकार है। ओए हमने तो उसको एक माना है आका आपके दाने अकदस से सरकार, हमको क्या पता पे वो मेराज की रात को क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, ये तो आपने बताया कि वो नमाजा 50 फर्ज हो गई, सानू की पता है कौन सा मौलवी है जो इस आसमान पर जाए नजर, पता तो चले बगैर सीढ़ी के तो हम छत पर नहीं जा सकते, ये आका की शान है के आराम। ये भी बड़े अजीबो गरीब राज हैं, आप वो खोलने शुरू करें पता नहीं कहां बात पहुंच जाए। ये करीम आका की शान, आपने फरमाया मैं गया मेरे रब ने मुलाकात हुई, नमाजा 50 फर्ज हो गई, मैं मुड़ के आया, फिर मूसा पाक ने आख्या इन्हें कोनी इतनी पढ़निया, मैं मुड़ के फिर टुर गया, फिर मैं आया, फिर गया, फिर आया, वो नमाजा कम होंदिया गई, रह पंज गई, मूसा पाक फरमाया लाओ फेरा एक और तेना पंजा नू भी मुकाओ, मैं आख्या नहीं अस्तख जी मेरे रब्बी, मैनू मेरे रब तो आया आंदी है कि पंज भी ना पढ़ सकनगे, फिर मैं टुरया, फिर मेरे रब ने मैंने फरमाया महबूब जी कर दीजिए पंज पक्कियां, फिर हमको क्या खबर इस बात की कि वहां हुआ क्या है, कोई मौलाना है जो हजूर के बगैर ये जान सकते हैं? आप जवाब दे, बड़ा मजमा मुझे जवाब दे दे सकते हैं। अल्लाह नाल गल करने दे टप्पड़ ही नहीं बाकी किसे विच चने हो, इतनी ताकत ही नहीं है किसी में, नबियों रसूलों में भी वो कुवत नहीं है। एत जनाब महराज अली कहानी हो रहे, मैदान अशर में भी अंबिया अल्लाह पाक से कलाम ना करेंगे, ये कान खोल के सुन ले सारे आप, मैदान अशर में भी वो एक शेर है अवली वो रोजे माशर के जहां गुदास बवद, हम जहन बनाने के लिए लोगों को कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मैदान माशर में नमाज का पहला सवाल होगा, वो दूसरी बात है, नमाज का सवाल बहुत बाद में होगा, चले हो तुसा फैसलाबाद के उलमा भी मेरे तुम्हें तशरीफ फरमाए तो इस गलत फहमी को दूर फरमा लें कि नमाज का होगा तो रोजे का होगा तो जिक्र का किस कहां होगा,
वो वक्ते फजल की बात है, तुम वक्ते अदल की बात करो। रोजे माशर में जब सारी कायनात खड़ी होगी, अल्लाह किसी से किसी अमल के बारे में नहीं पूछेगा, उसका पहला जो कलाम होगा वो आमना के लाल से होगा। या रसूल अल्लाह बोलो, या रसूल तो मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों, पढ़ो बुखारी शरीफ, पढ़ो मुस्लिम शरीफ, पढ़ो तिर्मिज़ी शरीफ। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या तुम नबे आदम, चले जाओगे तुम सारे आदम के पास और कहोगे अंता अबुल बशर, आप इंसानों के बाप हैं, इश्वालना इला रब्बे, आप हमारी बात रब से करें, हालांकि अल्लाह ताला बियदे ही, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, आप वो हैं। वो कहेंगे मियां बात सारी ठीक है, मैंने जे रब ने फरमाया सी दाने ओ दरख्त दे नेड़े नहीं जाना, मुड़ में टुर गया तो तौबा तिल्ला में की थी, फिर मेरे रब ने माफ फरमाया, तुस सारे मैंने आगे चू करके अगा बेचते पे हो, तो जे मैं आगा जावा तो जे रब यही गल कर देवे भाई तेन जे मना किया सी ते क्यों नेड़े गया सा है, लिहाजा मैं गल नहीं करनी। तो फिर बंदे कहेंगे हाल तो बताओ ना, हाल अला तरा, अला तरा अमा तरा इलैना अमा तरा मा कद बलगना, कि आप ये हाल नहीं हमारा देख रहे कि पसीना किधर जा रहा है, क्या ये हाल हमारा नहीं देख रहे कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप हाल बताएं हाल। तो वो फरमाएंगे जाओ फिर इब्राहिम के पास, फिर मूसा पाक के पास, फिर ईसा पाक के पास, हजरत नूह के पास, तो एंड में हजरत ईसा पाक ने जब जवाब दे देना है तो फिर दुनिया कहेगी सारी मिलकर, हजरत जी हम कब तक मारे मारे फिरेंगे, हाल बताएं इस तकलीफ से निकलने का। तो काल ईसा, हजरत ईसा फिर फरमाएंगे शकूल ईसा, फिर ईसा फरमाएंगे हाल मैं बताता हूँ, इस मुश्किल से निकलने के हाल का नाम मोहम्मद अरबी है। और अभी फिर ललकर के आओ, गल सारी ना दो दिए ना चार दिए, गल सारी सरकार दिए ना आर दिए तो ना ओ पार दिए, गल सारी सरकार दिए, वो दब के बोलो गल सारी सरकार दिए, ये गल मेरी नहीं ये गल रब गफार दिए के गल सारी सरकार दिए, हमारी बात नहीं है। तो हजूर से मोहब्बत चन मकड़ो, हजूर नाल इश्क करो, अन्ना इश्क करो, ऐ गल्लां च ना फसो। सहाबा पाक हमारे उनकी नालैन, अल्लाह की कसम हमारी सारी जिंदगियां सजदे में गुजर जाएं। ये सुन ले सारे अशार भी बैठे तो बाकी भी सरात रात मौलवी भाई भी मेरे कलेजे के टुकड़े और आंखों के तारे सारे सुन ले। अगर हमारी सारी जिंदगी सजदे में गुजरे और हमारी सारी जिंदगी रकू में गुजरे और हमारी सारी जिंदगी तस्बीह सुभान अल्लाह करते हुए गुजरे, तो वो एक घड़ी के जिस घड़ी में सहाबी ने हजूर के चेहरे को देखा, मकाम आहदे हिम सातुन, मकाम आहदे हिम सातुन खैरुम मिन अमल आहदेकुम उमरहू। माना सुनो, कि अगर सारी जिंदगी आपकी नेकी में गुजरे तो सारी जिंदगी की नेकी उस एक सेकंड तक नहीं पहुंच सकती जिस सेकंड में आंख साहबी थी चेहरा मुस्तफा का था। लिहाजा इस तरह दी गल्लां करनियां बिल्कुल कती तौर पर दुरुस्त नहीं। और वो भी फिर सैयदना सिद्दीक अकबर की बात, जिसको ये भी नहीं पता इस्तिंजा क्या होता है, अस्तंजा क्या, अस्तंजा अस्तंजा कहते हैं, ये भी नहीं पता इस्तिंजा बाब किड़ा है, वो भी उठ के कहते हैं हज़रत अबू बकर ने यूं किया, हज़रत अबू बकर ने यूं किया, हज़रत अबू बकर ने यूं किया। होफे खुदा करो, मौला अली पे खर्च करने वाले सिद्दीक अकबर, हसनैन करीमैन को खिलाने वाले सिद्दीक अकबर, अपने कंधों पर खिलाने वाले सिद्दीक अकबर, अपनी गोद में बिठाने वाले सिद्दीक अकबर, रसूलुल्लाह पर जान कुर्बान करने वाले सिद्दीक अकबर, रसूलुल्लाह के कलेजे का करार और सुकून सिद्दीक अकबर, और इस भरी धरती पर मुस्तफा के बेमिसल वजीर सिद्दीक अकबर। हाथ है तेरा क्या, या मोहम्मद, या मोहम्मद, मैं आपको हजूर की इज्जत और अजमत की बातें सुनाकर हजूर का इश्क डालने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दिल में।
और साथ साथ मसला भी क्लियर कर रहा हूँ कि गल है सरकार दी, लिहाजा इंज लचर लचर गल्लां ना करो, जेड़ा हजूर जी नूं कह गए उन्होंने मनो, बस अगे लंबी चौड़ी गल नहीं। ये हमारे सिलसिले के साथी टोपियों वाले बैठे हुए हैं, मैं अगर कह दूं इस बंदे ऐ बंदा मेरा खलीफा है, मनना है तुसा के नहीं? जे मैं आखा के नहीं, इनू छड़ दियो, छड़ दियोगे के नहीं? वो इसलिए कि तुम सिलसिले वालों का मेंबर मैं हूं, उम्मत का मेंबर जाते मुस्तफा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं आप अपनी मर्जी से आप नहीं मान सकते, ना अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। अभी मैं अहले बैत का भी तस्करा करूंगा, लेकिन पहले ये मसला निपटा लूं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है, अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं कलमा काय को पढ़ा, बताएं मुझे काय को कलमा पढ़ा, फिर जाएं अपनी मर्जी करें। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आपने वही करना है जो सरकार ने फरमाया है। हम अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकते, साईं के फैसले को मानना है। सारे मिलकर जवाब दो, बुतों को तोड़ते हैं कि नहीं? हम उच्चा बोलो, बुतों को तोड़ने का हुक्म है कि नहीं? बुत कैसे बने हैं? मिट्टी का, मट्टी का, यही बने हैं ना, पत्थर का, वो पत्थर के बने हुए टूटे हैं ना। सियाबा ने तोड़े के नहीं? मौला अली ने तोड़े के नहीं? दब के बोलो। वो मौला मुर्तजा जिसके चेहरे को देखना इबादत है, जिसका नाम लेना इबादत है, वो मौला मुर्तजा जो मुस्तफा का वीर है, वो मौला मुस्तफा जो मुस्तफा की तस्वीर है, वो मौला मुस्तफा जिसके सुल्ब से रसूलुल्लाह की नस्ल का आगाज हुआ है, वो मौला मुर्तजा जो एक ही रकाब में पांव डालकर कुरान शुरू करते तो दूसरी तक फातिहा पूरी वन्नास तक पढ़ लेते, वो मौला मुर्तजा जो ताजे हफ तकलीम रखने वाला है सर अकदस पर, वो मौला मुर्तजा जो सारी उम्मतों में जिसकी रूह विलायत तकसीम करने वाली है, वो मौला मुर्तजा जो नक्शबंदियों चिश्तियों सुरवर्दियों कादरियों का मुत्तफिक का पीर है, और वो मौला मुस्तफ मुर्तजा के जिसकी तवज्जो से मुजद्दद अलफसानी फरमाते हैं हमको आसमानों का इल्म नसीब हुआ है। और जोरदार बोलो नारा हैदरी देवी, डबल लाओ नारा, नारा हैदरी, नारा नारा तहकीक लगे तो तुम ऐसे मच्छर उठो, सुनो, नारा तहकीक लगे तो तुम्हारा चेहरा गुलाब का फूल बन जाए, नारा हैदरी लगे तो उस फूल में खुशबू आ जाए। हैदरी नारे तहकीक, गल सारी, गल सारी आर दिया ना पार दिया, गल सारी, गल सारी। अभी मैं दो मिनट में आपको बतलाता हूँ गल सारी कैसे सरकार की है। अपनी मर्जी से आप जो उठता है जनाब वो सहाबा को भोंकता है, और जो उठता है बीच में से अहले बैत को भोंकना शुरू कर देता है। अब एक तीसरा ग्रोह उठ गया जनाब यजीद की हिमायत में खड़ा हो गया, होवे खुदा करें अगर आप हजूर के मतवाले हैं तो आपको हर वो शय अच्छी लगेगी जो हजूर को अच्छी लगती है। आप हर उस चीज से दूर रहेंगे जिसको हजूर ने अच्छा ना समझा, ये आपकी मोहब्बत की अलामत होगी। सैया फरमाया बुत त्रोड़ अली, त्रोड़े के नहीं? सारे फैसला बाद ले, गैरतमंद बोलो, एक आवाज ना बोलो तोड़े के नहीं, इंज बोलो मर्द बन के। और इस वेले यह गल करनी इबादत है तुम्हारी, दसो भाई बुत तोड़े के नहीं? फिर हजूर पाक ने फरमाया इस वटे नू चुमो जेनू हजरे अस्वद आ दिन, चुमिया के नहीं? ओ मैं आदा बुत भी वटे दा, ए भी वटा, एक तोड़िया ते एक चुमिया। अली दसो तो सही, तोड़िया क्यों तो चुमिया क्यों? फरमाया ना तोड़ने में हम है ना चुमने में हम है, गल सारी सर, गल सारी, गल सारी, डुबे बेरा तार दिए, गल सारी, गल सारी आर दिए ना पार दिए, जीवे जीवे, बस इतना काफी है जी, गल सारी सरकार दिए, मुर्शिद पास सरकार आले पले आओ, गल सारी सरकार दिए, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। किबला जितनी देर मुर्शिद का जिक्र करो ऐ सरकार दा करो, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद, बस यही काम किए जाओ।
तो हजूर पुर नूर सल्लम ने जिसे कहा माने, जिसे कहा और जैसे कहा और जितना कहा, सैया अपनी औलाद के बारे च फरमाया जेड़ा इन्हों का हसद है जन्नत के नेड़े नहीं जा सकता। और बोलो शक है कोई, असनैन के जो बुग्ज रखे वो जन्नती हो सकता नहीं। नमाजी हो जाए, रोजेदार हो जाए, हो जाए हो जाए, भले हो जाए, जितना नमाजी हो जाए, जितना रोजेदार हो जाए, जन्नती नहीं हो सकता। कि जन्नत अलाटमेंट है असनैन के, असनैन की मोहब्बत के बगैर जन्नत के करीब भी नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। असा ये मनना है, शाबा शाबा, बोलो बोलो, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन अखदा तारा दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन अखदी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। ए सुन्नियत जे इसको याद रखे, हमने हमने एक इंच आगे पीछे नहीं होना। जो सैया फरमा देता है, सैया सदी के पाक के लिए फरमाया, फरमाया मा मिन नबीयिन इल्ला वलहु वजीरान मिन अहलिस समा व वजीरान मिन अहलिल अर्ध फम्मा वजीरया मिन अहलिस समाए अबू बकर व उमर व अम्मा अम्मा वजीरया मिन अहलिस समाए फजिब्रील व मिकाईल व अम्मा वजीरया मिन अहलिल अर्ध अबू बकर व उमर। फरमाया हर नबी के दो वजीर आसमानों पे, दो जमीनों पे, मेरे भी दो वजीर आसमानों पे, दो जमीन पे। फरमाया आसमाना आले आ मेरे वजीरा दा नाम जिब्रील ते मिकाईल, ते जमीन वाले वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। सुभान अल्लाह। हक चारिया, हक चारिया, हक चारिया, या इली। और दूसरे मकाम पर हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया इजा रहा अबा बकर व उमर, जब हुजूर ने इन दोनों को आते हुए देखा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों को आते हुए देखा, हुजूर ने फरमाया आजान सम वल बसर, फरमाया लोगों जी मेरे कान ते मेरी आंखां वेखड़ियां ने ते दोवें पे आंदे ने, कान और आंखें। और दूसरी तरफ जो सैयदा पाक की शान में तनकीस करते हैं, उनको यहां से बुद्धि से पकड़ के मैं झंझोड़ना चाहता हूं, इन्हें कान और आंखें फरमाया, जेड़ा महबूब दी अख ते कन दी तौहीन करे है वो भी बेगैरत। तो हजूर ने सैयदा के लिए कहा बदा तुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है पुत्र, कान ते आंख भी जिससे खुराक लेते हैं वो जिगर ही होता है। गल सारी, गल सारी, आर दिया ना पार दिए डुबे बेड़ा तार दिए, गल सारी, गल सारी, नारा तहकीक, नारा तहकीक। तो कभी या इली, कभी कभी अहले बैत से, कभी अहले बैत से इनेराफ ना करना, ना साहब से इनेराफ। मैं आपको कह चुका हूँ गल सारी सरकार दी, आप अपनी मर्जी से कहें जी मुझे ये अच्छे लगते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, हमें तो भाई हजूर अच्छे लगते हैं। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी गल है, मैनू तो माइए चोखे आमदे नहीं, तो माइया एक बड़ा सोहना है कि एक सानू तू सोहना लगता है, दूजा फिर भी तू माइया, फिर भी तू माइया, क्या बात है। गल मुकदी मकावा, ओ भाई सैया ने फरमाया अबू बकर मेरा सुकून है, असा क्या हजूर आ हजूर जो रब नी बैठे हैं तो कहते सदीक नी परेशानी है। साइया फरमाया अल हसन हो वाल हुसैन हो, ये हसन और हुसैन, फरमाया मिन्नी ये मुझसे है। दूसरे मुकाम पर साइयों ने फरमाया, फरमाया मना हब्बा उमा फकद हब्बा नी, जिस इन्होंने मोहब्बत की थी उन्हें सीधी सीधी मेरे नाल मोहब्बत की थी। साइया इरशाद ने फरमाते हैं, साई फरमाते हैं, अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे जिन पे मैं तबसरा नहीं करना चाहता, ऐसे ऐसे अपराध भी हैं, ऐसे ऐसे ये आपके ऐसे ऐसे अपराध भी हैं, ऐसे ऐसे कि जिन पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन वो अहले बैत का नाम लो तो उनके माथे पर बल पड़ जाएगा, मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाएगी, इतना जैसे उनके अंदर आग भरी पड़ी है। अहले बैत का नाम नहीं सुनना चाहते, असहाब का नाम नहीं सुनना चाहते। हे भाइयों, हमारा महबर मरकज सरकार है, आप दिमाग में रख लो,
हमने अहले बैत को भी माना है तो किसके जरिए माना है? अहले बैत में ऐसे लोग, अहले बैत का मतलब क्या? खानदान वाले, घर वाले। कौन? असा तो हजूर दे उन चचियां नु मनदे हैं जेड़े हजूर नु मनदे हैं। मनो फिर अबू लाब नु, चलो मनो, मनोगे? ऐ तो चाचा ही लगता है, तो मनो ना। ओ भाई नहीं मानेंगे आका, हम उस बलाल पाक को मानेंगे जो अवश्य आकर आपका निगेत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असा आला हजरत दी पट्टी पढ़दे हैं, सर है वो सर जो तेरी राह में कुर्बान गए, तेरे कदमों पे, बोलो बोलो, तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मानने और ना मानने का मियार सरकार बनाए, आप कभी गुमराह नहीं होंगे और इंशाल्लाह कयामत के दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। गल सारी मैं कसम खाकर कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, ये भी आपके फटाफट जेब पाओ, मेरी आंख ना पवे कितने हैं कितने नहीं, जल्दी करो। सुभान अल्लाह। जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी, मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, आप जल्दी जल्दी जेब में डाल। अब बात समझ में आई है आपके? हजूर को मानना है हमने, बंदगाने खुदा। उस वेले के करोगे जिस वेले दे बारे विच मुस्लिम शरीफ और तिर्मिजी शरीफ दी रिवायत है, के करोगे उस वेले जदू नबी ये गल करनगे, नबी रसूल चले हो फैसला बाद आले हो, मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, गौर करो ना इस जुमले थे। और ये जो मेरे भाई जिनको अरबी आती है, इनको इनकी माँ के दूध की कसम के गौर करें इस जुमले पे जो मैं पढ़ने लगा हूँ। ये हदीस के लफ्ज़ हैं, हदीस शरीफ के ये लफ्ज़ हैं। के करोगे उस वेले जदों सारे नबी ये यक ज़बान बोलेंगे, कद गदबा अल यौमा गदबन। अजे जुमला पूरा नहीं होया, सुनी जाओ, एक एक लफ्ज से गौर करना। कद गदबा, कद गदबा, इन्ना रब्बी कद गदबा, इन्ना रब्बी कद गदबा अल यौमा गदबन लम यगदब कबलहू मिसलहू वलैं यगदबा बादहू मिसलहू। हुण इजाजत दियो मैं तर्जमा करा, इजाजत दें दियो। सब नबी ये कहेंगे, उलुल आजम नबी, भाई साडा रब जिंज अज गुस्से है, जिंज अज गुस्से है, अज जिंज गुस्से है, इंज कदे पहले होया नहीं ते अज तो बाद इंज होना नहीं, इंज दा गजबनाक पहले कदी, बोलो जी पहले कदी, बाद इज कदी, लिहाजा अज गल औखी जी है। इस हालत में बताओ ना क्या करेंगे आप, अगर आपने हजूर से वफा ना की हुई और हजूर से मोहब्बत सही ना हुई और हजूर हजूर के फरामीन की धजियां अगर उड़ाई हुई, कि सैया फरमाया मेरे सहाबा नु बुरा ना कहना, ला तसुबू साहबी बुरा ना कहना, और दूसरी तरफ सैया ने फरमाया मेरी अहले बैत से बुक्स ना रखना, बल्कि सहाबा पाका नु फरमाया कि मेरी अहले बैत नाल वफा करियो, और उन्हें कीती, और उन्हें, अरे बोलो उन्हें, फिर बोलो, फिर बोलो। हुण मैं एक अर्ज करदा हां, हुण शाह साहब इब्राहिम शाह फैसलाबाद पैदा होए, फैसलाबाद जम्मे, हुण इन्हां नू चार शीए फड़ के इन्हां दी खोपड़ी पे गुमान, शाह जी तुसीं तां सही हो दो, ये तो इंज सन इंज सन। शाह उन्हां नू मैं हथ जोड़ के पुछां, शाह जी ये तो दसो भाई जो कुछ ये तुहाडे बाबा दादा ने साहबां नाल कीता, साहबां ने तुहानूं पता है या इन्हां शीआं दीआं पट्टियां पढ़दे हो? मैं वैसे मिसाल दे रहा, मिसाल। एक इधर से आकर कहते हैं उन्हें ये कर देता, दूसरा इधर से आकर कहते हैं उन्हें ये कर देता, खौफे खुदा करो, क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया, ये कर दिया कि अपनी बेटी हजूर के निकाह में दी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, ये कर दिया, इतना एहतराम रखा, फड़ना है ऐ मेरे अल तकना, ऐ तवज्जो मेरे अल करना, इतना एहतराम किया कि सिद्दीक अकबर यहाँ मिंबर पे बैठे, ना दूसरी सीढ़ी पे, ना ऊपर तीसरी पे। तो सहाबा ने कहा सुन्नत है ऊपर बैठना,
सुन्नत है। हाँ जरा मेरे सारे पर कान खोलन की ये भाई वही काम करना सुन्नत ना जो हुजूर ने किया, तो वहीं बैठना सुन्नत है ना। तो साहबा ने कहा सुन्नत तो ऊपर बैठना है, उन्होंने फरमाया है तो सुन्नत है पर मेरे को ये अदा नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने दिल बेद भी मालूम हो रही है। मैं वहां बैठूंगा जहां हजूर के कदम लगते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा कदे सियाबा दे बारे च खलल मलल दिमाग ना रहा। अब रह गई अहले बैत तो कान खोल के सुन लो, जिगर गोशाए सरकार है। सुभान अल्लाह। जो मौलवी जो मुफ्ती जो शेखुल हदीस जो भौंके अहले बैत को उसको खौफे खुदा करना चाहिए। हजूर ने फरमाया ना ओदे नफल ते ना ओदिया नमाजा ते ना ओदे रोजे ते ना ओदा हज ते ना ओदिया ज़कातां ना ओदिया तस्बीहां ना ओदे मुराकबे मुकाशवे काम करनगे जेड़ा मेरी अहले बैत नाल बुग्ज रखेगा। असाइया फरमाया इधर कन खोल के फैसला पा दे लो, आखिरी गल सुनो तो मैनू इजाजत दियो। हजूर ने फरमाया तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि क़यामत के दिन मैं उसका ज़ामिन बनूं? क्या बन जाऊं? अच्छा तुस चाहते हो जामन हजूर बनन? ओ मैं थोड़े दे कुर्बान जावा, कुर्बान जावा। चाहते हो जवानो भाई हमारे जामन कौन हो जाए? सरकार। ये चाहते हो ना? हाँ ध्यान रखना भाई हजूर जामन बन जाए। हजूर ने फरमाया मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसने हसनैन से प्यार किया उसका जामिन मैं खुद बनूंगा। अहले बैत अहले सारे उठ के जरा बोलिया करो सूफी हुसैन या हुसैन, सारे बोलो हुसैन या हुसैन। बस सुनो सुनो आप मेरे ना वध करो, हजूर दी दुआ लेनी है कि नहीं लेनी? अदिया बदिया हाथ खड़ा किया है, हाथ थले करना जरा, हूं बहना जरा बह जाना, मेरी गल सुन लेना। उठना नहीं बस मैं तकरीर तो खत्म करने ही लगा हूं लेकिन गल सुन लेना। साइया की दुआ लेनी जे। अच्छा हूँ तुस मेरी गड्डी पिछे भी बड़े बंदे दुड़े गड्डी चुमने पढ़ना मैं अगे ही अद्धा जत मरीतिया हो उतो और मार दे वो मेरे कलेजे के टुकड़े हो तुसा मेरी निगाह नाल नहीं तरना, तरना साइया की निगाह नाल। सुभान अल्लाह। ते साइया की दुआ का तुम तरीका दस दे। दुआ तो वैसे वैसे ये कोई शक नहीं कि कदे कोई मलंग भी दुआ दे तो लग जाती है लग साइया वाली दुआ से तो उठे तो कोई किसी किस्म का शक शुभा नहीं। उचा बोलो नहीं। तो तुसा रोड से बाहर निकलो तो तुसा 2 रुपये किसी नूं दे दियो उहदी भी दुआ लग जाए। ये हदीस शरीफ है पक्की पक्की पक्की। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते उनके पास 20 साल का लड़का एक बैठा हुआ था। कितने साल का? 20 साल। बड़ा खूबसूरत नौजवान 20 साल का। वो हजरत नाल मोहब्बत भी बड़ी करता सी तो हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाया है हजरत इजराइल। उन्हें इंज करके थकिया जनाब दो आपने फरमाया तू रूह कढ़ना है मेरी? उस आख्या नहीं हजूर सलाम अर्ज करना है रूह छू नहीं आप दी कब्ज करना है। ए जिहड़ा मुंडा बैठा ना इहदी तुहानू दसां गल 10 दिहाड़े रह गई जी उम्र। कितने रह गई है? ए जिहड़ा मुंडा तुहाडे कोल बैठा है इहदी उम्र कितनी रह गई? उन्हें कहा ठीक है आप पछेमां जे हो गए तो सिर थले कर लिया अल्लाह की तकदीर च हुण हाथ ते नहीं ना कोई मारदा आप इंज कर लिया ठीक है अल्लाह की तकदीर राजी हाँ। वो जनाब मुंडा उठिया तो उठ के निकल गया हजरत इंज करके तक अपनिया कोई सोचा च गुम रहे मुंडा उठ के बाहर निकल गया और राह विचों उन्हें फकीर मिले उंज जी है जेडे मंगदे मुंगदे ने यह नहीं कि कोई गौस सी कुतुब सी अफजाल सी इंज ही कोई बंदा मिले उसने कहा आ तेनी मैं माल अल्लाह ताला अल्लाह जेड़ा तेनू कुछ दिता हो मैनू भी कुछ दे दाखला यदहु फी जेबी शाब। उस बंदे ने अपना हाथ डाला हाँ बारक अल्लाह बारक तो मेरे गाल सारी गाल सारी गाल गौर करो गौर ना गाल सुनी जाओ। वो बंदे ने के कीता है हजूर उसने जे में आड़ा ला दाखल यदउ फी जेबे ही फअखरज मिनहु सित्तत दनानीर उस जेब जात पाया 6 दीनार कढ़े उन्हूं दे दिते फकीर जाए मंगण वाला दे दिते
और है भी उंजी फकीर सी, छे दिनार दे दिते, मुंडा टुर गया, दिहाड़े गुजर गए दस, तो ओदे बाकी कितने रहंदे सन, बोलना पैसे तुहानू, अगर तुसा नहीं बोलोगे तो तुसा गल समझोगे ही नहीं, भाई कितने है मुंडे जिहड़े ने ना कट्टे वाले मुंडे जरूर गौर नाल सुनो तो बोलो, तुहाडे नाल मैनू चौकी मुहब्बत है, मेरा सिस्टम जरा बड़ा अजीब जिहा है, ये जिहड़े पिंटां शंटां वाले तुहाडे नाल चौकी मुहब्बत है, कोई राज है विच इहदे, इहदे विच कोई राज है, साई पाक जिहड़ा बंदा गुनाहगार हुंदा ना उहदे वल ज्यादा तवज्जो करदे, मैनू भी तुहाडे नाल चौकी मुहब्बत है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है, तुसां छत्तां ते चढ़ जांदे हो, झंडा खंभे ते ला देंदे हो, नारा उच्चा चोखा मारदे हो हजूर दा, हालांकि अमलां विच नक्स है, फिर भी तुहाडे दिल विच ये ख्याल हुंदा है, साई दी जे नजर होवे ते फिर पिछे कोई शहर रहिंदे नहीं, या तक है ना, ये बात है, कितने रहंदे सन बाकी दस रहंदे सन ना ते दस गुजर गए बस इल्ला अनफास मादूदा चंद कड़ियां बाकी रहियां जा मलकुल मौत सीधा ठक करके तशरीफ लै आया इजराइल अलैहिस्सलाम ओ जहां रूह कटन लगे काल अल्लाह ताला या मलक कल मौत ला तकबीर ओ जो रूह कटन लगे तो अल्लाह फरमाया ठहरो मलकुल मौत डोंट टच हिम सुभान अल्लाह ये तानू मैं थोड़ा ऐलान जुलाण वास्ते की दो मैं वकीर ही रहन दियो खतीब ना ही बना ते कोई चंगी गल नहीं खताब आमदे वल मैनू सारे ने मगर हजूर के इश्क में रोने धोने वाला अल्लाह हमें बना अल्लाह पाक ने फरमाया छड़ दे इनू ना चूमी छड़ दे उना क्या या अल्लाह करना तो वो ये जो तुसा फरमाना है मैं इसको नहीं रूह कब्ज करता मैं तो पाबंद हूं मगर ये तो मुझे बताएं क्या ये रूह टाइम नहीं हो गया नजर तो फिल मशरिक वल मगरिब नजर तो फिल मशरिक वल मगरिब मैंने मशरिक में देखा और मगरिब में देखा तू इधर तकना उधर थल्ले तक सो कम नहीं बनना इधर तकना है ये गाली तो सुननी है मजा तब है कि ये गुफ्तगू मेरी पूरी हो तो पूरा मजमा कलबी तौर पर बदल चुका हो लुत्फ फिर है हाँ लुत्फ फिर चलो प्यार बच्चे मेरा कलेजी दा टुकड़ा ओ पहला ते तुसा तको तुसा तो रूह कटन लगे सी गल सारी गल सारी आर दिए ना पार दिए असा सारे हुजूर दे मलंग बैठे हैं मैं भी कोई अफजल वाला कोई ना तुसा सारिया दियां जुतियां थले लगन वाली मिट्टी तू भी मैं कम तारा ते प्यार नाल एक दूजे नाल किंज बोलना है यही तो हजूर दियां गुलामां दी निशानी है ये साइयां पाकां दी करीम ये साइयां पाकां दी निशानी है तो ये साइयां पाकां दी के है निशानी है केड़ी मोहब्बत दी के तुसां प्यार नाल बोलना ठीक है हुण मेरी दरखास्त कबूल कर सो अल्लाह खुश रखे आपनूं और ये नहीं कि इतने खाली घरां विच भी प्यार नाल घरां विच भी किंज बोलना है तुहाडे विच कौन कौन चाहुंदा है जी भाई तुहाडी उम्र वध जाए हाथ थले करो वादा करो तुसां बोलोगे प्यार नाल मैं ओ फिर बाद फतवे चोखे लग जांदे ने उंज मैं तुहानूं पक्की गल दसदा कसम चाह के जेड़ा मेरी गल ते अमल करेगा अल्लाह दी बरगाह च मैनू पूरा यकीन है उसकी उम्र में इजाफा जे आखो ते एक हदीस नाल पेश कर देंदा मां हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया भाई नेकी तेरी उम्र में बरकत लाती है और तेरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बात करना भी नेकी ही है सुभान अल्लाह चलो कोई शक शकूक ना रोवे नाल कर दे मां सेट अच्छा जी उन्होंने अल्लाह पाक ने फरमाया पे इनू छेड़ना एदी रूह कढ़नी उन्होंने आख्या नजर तो फिल मशरिक वल मगरिब लम यबका
लहू लुकमा याकुलुहा। मैं मशरक मगरब तक आया, एक लुकमा ऐसा कोई नहीं जेड़ा ये खाए। वो लुकमे होते हैं ना, ताई लिखे हुए ना, दाने दाने पे लिखा है खाने। हाँ अलम लतीफे बड़े लोगों ने बनाए हुए, कई बंदे आते हैं जी ऐसा मोर अपने बिच रखी हुई है तो आप ही मोरा मार लेते हो, ये लतीफे हैं, ये हकीकत नहीं, ये हकीकत ऐसा जी मोर रखी हुई है तो कट के मार लेते हैं तो खा लेते हैं, चले ना बने करो। खांदा वो ही है बंदा जितना रब खिलांदा है। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों उन्होंने कहा जी एक लुकमा नहीं बचिया मशरक मगरब एक वलम यब का लहू जुरा, एक घूंट पानी का नहीं बचा जिसको ये पिए। तो या अल्लाह तुसों फरमांदे हो पर रोक जा, मैं रोक गया पर एदी खुराक शुरू कोई नहीं ते टाइम भी पूरा है। इरशाद फरमाया क्या तूने उस फकीर को नहीं था देखा जिसको इसने छे दिनार दिए, अमा समेत दुआ हूं तो जदू उन्हें दुआ की थी तू वो नहीं सुनी, उसने दुआ की ये पैसे जेब में छे दिनार डालकर उसने कहा आता कल्लाहु ताला उम्रन अताल्लाहु ताला उम्र उम्रक अल्लाह तेरी उम्र नु लम्मा करे वजअलकल्लाहु रफीकन फिल जन्नत मा सय्यदना दाऊद अलैहिस्सलाम और तुझे जन्नत में दाऊद पाक का दोस्त बनाए। ते इजराइल इसको छोड़ दे, हमने उसकी दुआ कबूल करके छह दिनारों के बदले में 60 साल इसकी उम्र बढ़ा दी है। तरह गई अगली दुआ के इसको दाऊद पाक की रफाकत, तो जाकर इजाब इला नबी जी जा मेरे नबी दाऊद की तरफ और उनसे कह के इसे पहचान ले, हमने इसको जन्नत में आपका रफीक बना दिया है। सुभान अल्लाह। हुण तवज्जो रखना जी, हुण तुसा फरमाओगे मेरे कलेजे दे टुकड़े सोचोगे भाई मैं गल केड़ी शुरू की थी विच के सुना देता, भाई बात हो रही थी हसनैन करीमैन की और सहाबा की मोहब्बत की, तो मैं भी चुके शह ले आया वो मैं तुम्हें समझाना चाहता वा। दुआ जे कदे राह लंघदे आ बंदा देवे ते अल्लाह 60 साल उम्र दे देता है, ते जे दुआ करने वाला ही मकीने गुंबदे खजरा हो उन समझ लगी है गल दी के कोई नहीं। अजूर ने फरमाया मैं उसे दुआ देता हूँ या अल्लाह उसे अपना महबूब और वली बना ले जो मेरे बच्चों से मोहब्बत करता है। तो तुसा मोहब्बत करोगे कि नहीं? बिस्मिल्लाह करा। अच्छा मोहब्बत ही ये हूं मोहब्बत ये नहीं होती भाई लाजमी मोहब्बत सच्ची है भाई साहबा नू रगड़ा लाओ फिर मोहब्बत है। हर गेज नहीं हर गेज नहीं हर गेज नहीं हर गेज नहीं मोहब्बत ये नहीं होती कि दूसरों को आप कम करें। मसलन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप बोले फैसलाबाद में आलम ही कोई नहीं, ये तो जुल्म है, इस तो वड़ा जुल्म ही कोई नहीं। वो करते हैं ना पहले ऐसे सुन लो मेरी जान कुर्बान करते हैं, करते हैं मेरे कलेजे के टुकड़े ये मैंने दियो ना उन्हें जेब च पा लो टाफिया ले लेना बह जाओ। कई गल समझ आई जे बात समझ आ रही नहीं आ रही? मेरे कलेजे के टुकड़ो मेरी अंखों के तारो ये मोहब्बत नहीं। तुसा दाता साहब चंगे लगते पे लगन चंगे, तुसा सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह दी तनकीस ना करो तुहानू जरूर उस पाक चंगे लगते पे लगन, तुसा बाबा फरीद दी शान कोई गुस्ताखी ना करो। जे तुहानू बाबा फरीद पाक चंगे लगते तो तुसा हजूर उस पाक दी शान च गुस्ताखी वो चंगे यारा किसे नू कोई भी लग सकदा है। हुण तुहां जहरी बात है हुण सारे इत्थे कोई मेरे ही मुरीद नहीं ना बैठे हुए, कोई कद तारी है कोई सैफी भाई भी नजर आ रहे हैं सारे नू अपने पीर चंगे लगते हैं। तो मुहब्बत का मतलब यह नहीं होंगे भाई दूजे नू मंड के रगड़ा लाओ फिर मुहब्बत होती है, सारे पीर नाकस है मेरा कामिल है ये मुहब्बत है। या आप पहले बैद से मोहब्बत करो तो कहो सहाबा क्या है जी वो तो दर वाले हैं बाहर वाले हैं, वो खौफे खुदा कर यार इस विच कोई शक नहीं उनको नस्बत दरे जाना है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यार अंदाज देखो आप अंदाज कौन सा अपना लें। हम ये जानते हैं
कि हजूर पाक की जो नस्ले अतर है वो तो नस्ले अतर है, लेकिन आप ये जरा देखिए आपने लबो लहजा कौन सा इख्तियार किया है। ओ तो जी सामा दी गल, या आपके माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। ओ जी ये साबा दे शुरू हो शाने सदीके को बीच एक बंदा उठ सी पीछे नारे हिजरी हजरत अली इससे खुश नहीं है कि आपने मेरे यार के मुकाबले में मुझे ला खड़ा किया है, नहीं है खुश। आप मोहब्बत से नारा लगाएं, नाराए तहकीक भी, नाराए हैदरी भी, नाराए गौसिया भी, और नाराए रिसालत भी, और नाराए रिसालत तो जान है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बस ऐतरिया में गल्ला तो कितना करनिया सन, पता नहीं मैं कितना कामयाब होया इन गल्ला विच या नहीं, पर जितनिया में कर दितियां ने कबूल फरमाओ, ते कोई गलती होवे माफ करना बैठे रहना। आप दी गल मुबारक दा जवाब दे दें, जिन्हें जिन्हें संगियां दी औलाद को नहीं ना भाई, वो ये रेटिंग बढ़ाने के लिए चैनल मैनल चलाने के लिए ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस फकीर के नाम से वैसे ही बनाए हुए हैं क्या चैनल। मैंने अपने आस्थाने श्री पर मना कर दिया है सारे अपने मुरीदीन को मेरे नाम का कोई चैनल कोई नहीं, लेकिन वो अपने वो पता नहीं कोई सुनिया के पैसे मिलते हैं कोई इना इना युवा टूपा दे इना दे कोई सुनिया में पैसे मिलते हैं, तो कोई पैसे जैसे लेने के लिए लोग ऐसे क्लिप को लोग गलत कुल चढ़ा देते हैं, हमारा उससे कोई तलक नहीं। मैं कोई नहीं औलाद देता, औलाद मेरा रब देता है, लेकिन मुझे एक बात का पता है, मैं वो लोगों को बताता हूँ, अल्लाह औलाद दे देता है। मैं बिल्कुल हमने कोई नहीं क्लिप, वो एक मैंने क्लिप देखा वो मेरे नाम पर आगे लिखा हुआ था उनका औलाद देने का दावा, मैंने इस्तिगफार पढ़े ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम कोई दावा नहीं करते, हम यकीन से कहते हैं कि अल्लाह आप पर फजल करेगा। कौन फजल करेगा? हुण एक गल दा जवाब दियो सारे, मैं तुहानू आखां शाह साहब नूं दे दियो हाथ चुम के देना। अच्छा गल मुकावा जी, गल मुकावा। मसलन सईयां फरमाया पई दुरूद शरीफ पढ़ने नाल शिफा है, की है जी? उच्चा बोलो। तो यार अगर हम अब किसी को दुरूद शरीफ बतलाए तो शिफा तो अल्लाह ने ही देनी है, किसने देनी है? तो हमें एक बात का पता है, हम अगर उसमें ये कहें कि अल्लाह की कसम शिफा होगी, लाजमी होगी, हम इसलिए कसम खा रहे हैं, गल साड़ी नहीं, बस इतनी जी गल है। गल सारी आर दी है ना पार दी है, गल सारी ए जड़ी बेऔलादी वाली मर्ज है ना जी, ये असल जी गल है सरकार पाक दी, किना दी गल है? ए आपने फरमाया भाई इस्तिगफार शरीफ करने नाल जदों तुसा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये वैसे कदे शाह साहब पढ़न ते ही पढ़न, तो तुसा जट जे मैनू लगदे हो तुसा निरी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है ना, लम्मा पेंडा नहीं पाईदा सादियां बंदियां नू केड़ा आ, ते शाह साहब नू पूरी पढ़नी चाहिए बिलकुल। और जो मस्जिदों में आइम्मा है उन पर मेरी जान कुर्बान, वो सारा कलमा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इलैहि अलैहि ना पढ़े इलैहि है, इलैहि ये पढ़े, ये त्रै सौ वारी रोज पढ़ना होंगे, जे तुहाड़ा कर्ज है इंशाल्लाह अदा हो, हुण सबब पैदा हो जा सबब, तो जे तुसां बे औलाद हो तो औलाद भी हो जा। अल्लाह पाक फजल अल्लाह ही है ना जी, अल्लाह पाक जो चाहता है तो अल्लाह पाक अपना कर, हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, त्रै सौ वारी, ये त्रै सौ वारी पढ़ सो तो इंशाल्लाह एक ये ही नहीं और बतेरे कम हो जा। सब जेड़ा संगियां नूं तकलीफ है ना, मैं दावे करना मैं कसमां चाहता वा साइयां दे बलबोते दे, किहदे बलबोते दे? तको ना जी, तको मैं एक बात करता हूँ तो मैं आपको मिसाल देने लगा, मिसाल मिसाल देता हूँ, मैं जो भी कोई गल की तो मैनू संगी पै जाने वो ये कोई ताकत जरा याद हैंज होएगा, मैं खाली पैंदा ना, फर्क इतना ही है, गल्ला सारे कर दे समझ जाओ। अगली मसला ना करोना होया ना, करोना
तो हमारे एक आलम दीन है डॉक्टर अशरफ जलाली साहब की बुला वो बंदा नवाज ने एक तकरीर भी फरमाया मैनू ले जाओ जनाब तुसी हर पासे कोरोना वाले हो तो मैनू उन्होंने नाल मिलाओ मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा हूँ उन्होंने पूछो हजूर हजूर बंदा नवाज अदब नाल अर्ज करते हैं तुहाडे कोल के छोटी है कुछ नहीं होएगा तो वो फौरन आखण के हमें हजूर पाक पर यकीन है तो मैं अर्ज करदा हजूर थोड़ा जा सन भी है बस लड़ाई नहीं करनी लड़ाई मैं पंडी झगड़ा जिंज तुहानू है ना भाई तुसां जे आदे हो भाई सानू कुछ नहीं होना सानू लै जाओ तो आखिर तुहाडे अंदर यकीन तो है ना भाई सारी दुनिया पिटदी पई है भाई वो जो छे फुट का फासला तुसां आदे हो मेरे हाथ नाल हाथ मिलाओ सीने नाल सीना तो तुसां आदे हो ये हमारा ईमान है ते किबला के पता इस मजमे विच भी कोई इंज दे ईमान आला होवे नहीं समझ आई गल्लां ते साडा कौन नहीं है तकरार के असां जनाब के करदे हां के चलो तुसां ही लै लो हूँ मैं के करा देखो मैं तो छटिया तो रुक गया आप कबूल फरमान आप कबूल ते हजूर गल समझ आई जे ये साडे दावे नहीं सन हजूर पाक ते यकीन बहुत है यकीन साइया पाकां फरमाया मैं हूँ मेरे हल तकना सारे साइया पाकां फरमाया के मैं जामिन हूँ मैं जेड़ा बंदा दोवां चीज़ां की गरंटी देवे जेड़ी दोवां लत्तां दे दरमियान है ते दोवां जबड़ियां दे दरमियान है ते एक शर्मगाह ते एक जुबान एदे ते हजूर ने के क्या उदा मैं की हाँ हूँ मैं अगर ये बात आपको बोलूं बेटा अगर तू अपनी जुबान से गलत बात ना करे तो मैं कसम खाता हूँ तू जनती है तो तुसा हूं जी मेरे लड़ाई करो जी देखो जी दावा कितना बड़ा भाई मेरे दिमाग में हदीस शरीफ है दिमाग में मेरे की है क्योंकि मुझे ये पता है कि साईं फरमा रहे हैं भाई जे जुबान ठीक रखी आ तो गरंटर मैं हाँ जामन मैं हाँ तो मैं फौरन कसम चुक ली यार सुल्ला जे पिछे तुसा हो फिर खैर ही खैर है बात समझ आ गई बस बस बारह कल्ला बारह कल्ला बारह कल्ला तो गल समझ आ गई जी ते हुण एक नाल जांदियां जांदियां मेरे नाल वादा करो जांदियां जांदियां एक तो तुसां पहले कर ही चुके हो कि तुसां मुहब्बत रखसो सहाबा पाकां नाल ते अहले बैतां नाल ते कोई ना मस्ती शस्ती नहीं करनी ना किसी सहाबा पाक दे बारे च कोई गल गलत करनी ना ही अहले बैत दे बारे अत यजीद नाल मुहब्बत नहीं रखनी यजीद नाल मुहब्बत जिस जिस नहीं रखनी थोड़ा हाथ खड़ा करो ओ मैं कुरबान कुरबान हाथ थले करो तुहाडियां कदमां ते मैं कुरबान मुर्दाबाद। अच्छा एक एक और जना तुसा मेरे नाल गल निके जी गल कर लो भाई साइया पाकां दी एक हदीस शरीफ सुना दें तो उहदे ते तुसा अमल कर लैसो कोशिश ते करसो अपने पड़ोसियों नूं तंग नहीं करो केड़ा केड़ा संगी वादा करदा बिस्मिल्लाह का अच्छा टिड्डू करया है वादा हाथ लग है जी ये टोपियां वाले भी बिलखसूस किसे नु तंग अरे जे काफर भी है तो दिन कोई मोहब्बत करो तो जी हजूर दा दामन फड़ लवे कोशिश करो ना ऐ भाई फकीरे ही कर दे रहे के इस विच कोई शक नहीं कोई अपना होना कुवत शुवत भी दसी है मगर निरी कुवत नहीं दसी नाल कोई प्यार मोहब्बत भी कुवत भी दसी है इस विच कोई शक नहीं अब बावे ना बड़ी दसी है बाबा नहीं हो अजमेर वाले आ तो राजा एक आया कोई बाबा और मिठियां गल्लां बड़ियां कर देन वो मिठियां गल्लां दी चक्कर च बावे ना बुला आ गया तो बावे ना आखिया भाई यार अल्लाह दी इबादत करया करके पुत्र शतन दी पूजा कर दें उन्हें कहा जनाब बुत जड़े ने ना साढ़े प्यो दादा इन्हों की इबादत करते सन तो असं बस करते हैं आपने फरमाया यार ये कोई नहीं सुनते गिणते उस आ गया हजूर तो तुहाडा रब किथे है वह भी तो नज़र कोई नहीं आता आपने फरमाया नज़र ना भी आता हो जो कुछ करता है वह सानू पता लगता है उस आ गया हजरत जी तुसा मेरे जेडे खुदा ने उन्होंने तुसा हिट की है तो अपने खुदा की शान पर बयान कर दौ तो मैं कुछ दसो जो फिर मैं तुहाडा खुदा मान लवा आपने फरमाया अच्छा चल जे तेरे जेडे ये खुदा जी तेरे दिमाग के मुताबिक ने भाई तेरे रब है जे कद ये आप ही आन के तेन आखन पई मोइनुद्दीन का रब सच्चा
तू आप इंज करके तकिया तो उस बुद्ध नु आख्या भाई गुलमटे एक लफ्ज है वो दौड़दा दौड़दा आ गया आपने फरमाया ते ए तेरी इबादत करता है पूछता है तेनू तेनू दस सही है उस आ गया मैं तौबा करदा वा मेरी इबादत ना करे इबादत ओदी है जो मोहम्मद अरबी का रब है दसिया है उन्हें अपनी कुवत लेकिन मोहब्बत भी नाल की थी है के कीता है उच्चा बोलो कोई गुस्ताख किस्म का बंदा हो तो उन्होंने भी सही करने की कोशिश करो तो जे तू बिल्कुल मोर लग गई हो तो फिर तलक रखना नहीं ना चाहिए वो तो फिर सईयां पाकां फरमाया भाई बच्चो ऐसी मजलिस से जो तुम्हें गुस्ताख कर दे हैं ऐसी महफल में बैठना नहीं चाहिए तो वैसे जेडे पड़ोसी ने ए तुसा सारे बैठे हुए हो तो पड़ोस नाल तुसा चंगे होगे तो नूर वध जाएगा ये करोगे इंशाल्लाह एक और गल गल्लां जे दो ने एक अजे और कर लवां फिर उस तों बाद एक कर लवां एक दूजी गल सईयां पाकां फरमाई जेड़ा तुहाडे घर मेहमान आवे उहदी इज्जत करनी के करनी दो हो गई एक तीसरी ये बड़ी जरूरी है ये पहलियां दो भी जरूरी ने मगर ये बहुत जरूरी है अगर तुसा ये कबूल फरमा लो तो मैं इस तरह लगता है मैनू भाई क़यामत दे दिहाड़े असां हज़ूर पाकां दे कदमां च इकट्ठे ही होवांगे सारे जे तुसा ये इत्थों दिलों मनो अर्ज करा तीसरी फरमाया मन काना बिल्लाह वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औ लियस्मुत पिछला भी मैं अरबी जान के नहीं पढ़ी पे तर्जमा ही कर लवा वेला थोड़ा है तो गल मकसद दी पहुंच जाए पर फरमाया सईयां पाकां पे जेड़ा बंदा अल्लाह ते आखिरत ते मेरे ते ईमान रखता है उनू गल चंगी करनी चाहिए के करनी चाहिए तो जे उनू चंगी गल कोई नहीं आती फिर के करे जी आ फिर चुप हो जाए याद गल के करनी है तो जे चंगी नहीं आती फिर के करना है आ तो तुसा गल चंगी करनी है मोहब्बत वाली करनी है फैसलाबाद बहुत इश्क वाली मिट्टी है वल्ला मोहब्बत वाली मिट्टी ये जो मेरे दोस्त है ये मोहब्बत वाले मेरे हर मुल्क पूरे में मेरे दोस्त हैं आप भी मेरे दोस्त हो भी जो फैसलाबादी हैं इनकी खूबू कुछ वक्री है ये मोहब्बत वाली मिट्टी है मोहब्बत वाली गल्लां करनियां चाहिदियां नफरत वाली नहीं दुर्वेशां नूं के लगे इन्हां चालबाजियां नाल और चक्करां नाल इश्क दियां बोलियां बोलो आशिक हो जाओ मते साईं दी बरगाह कबूल पै जाए अल्लाह पाक ये जिन्हें संगियां प्रोग्राम कराया है इन्हें दी मेहनत अल्लाह पाक कबूल फरमाए तुसां सारियां दी भी कबूल फरमाए ऐ अपनियां संगियां भी कोई बदनजमी नहीं करनी है बदनजमी धक्का भी नहीं मारना दौड़ना भी नहीं बंदे झोंके ने ना सारियां नाल हाथ मिलाना मुश्किल है मुमकिन नहीं मैं पूछना इस्ताने शरीफ ते है तुसा सारे इत्थे बैठिया बैठिया मैं सलाम पेश कर सा आपने जरा बराबर भी नज़्मो ज़ब्त विच कोई गड़बड़ेशन नहीं करनी हज़ूर दियां आशिकां दी सज धज वखरी होनी चाहिए इंज नहीं कि जिस तरह लड्डू बटे मिठाई बटे बाग पड़े ऐसा ना करना बैठे रहे मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह और उसके रसूल के हवाले और जिस तरह हुण दुआ कर सन प्रोग्राम तुसा कोई एक दो शेर पढ़ के फिर दुआ इत्थे कोई आलमे दीन होवन आप दुआ फरमा दियो कोई फरमा दौड़ना नहीं।